अस्सलाम वालेकुम ट्रैवल डेस्क के मुज़फ़्फ़र तीनों ज़रात, आप सबको खुश आमदीद। आज हम आए हैं जी केपीके का इलाका है, छांगला गली और गलियात, और अभी इससे भी आगे जा रहे हैं, आपको यहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। ये मेरे पीछे देखें, बहुत खूबसूरत इमारत है। ये मेरे ख्याल है कोई असेंबली है शायद, जहाँ तक हमने सुना है केपीके असेंबली है या कुछ इस तरह का है। अच्छा, तो ये देखें जी, ये एक लिंक रोड पीछे की तरफ जा रहा है और टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं। छांगला गली टाउनशिप का बोर्ड मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। मैं तो शदीद गर्मी में से आया हूँ और यकीन माने पिशावर में से हम लोग चले हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर दो रास्ते आते हैं, एक रास्ता आता है रावलपिंडी इस्लामाबाद से और एक आता है ये एबटाबाद वाली साइड से। तो हम लोग तो इस्लामाबाद के रास्ते आए, बहुत लंबा में पड़े, तो जो भाई पिशावर से आए वो लोग खानपुरी रोड से आ जाए। तो आए चलते हैं अभी और दिखाते हैं। ये जनाब हम लोग इस टाइम आ गए हैं छांगला गली में खड़े हुए हैं, आपको छांगला गली दिखा रहे हैं, मौसम चेक कर रहे हैं छांगला गली का। ये देखें, ये है छांगला गली एक जबरदस्त किस्म की ब्यूटी के साथ। ये आपको बोर्ड दिखाते हैं, छांगला गली टाउनशिप का बोर्ड है जी, और ये आप देखें इमारत देख लें। अजवाल की तरफ, तो अजवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर है। ये रास्ते हैं, देख लें आप लोग कैमरा ऐसे करें तो देखा है, ये रास्ते जी, और देखें लोगों ने कितने खूबसूरत घर बनाए हैं इधर। और हम लोग तो बस नाम ही सुना होता अजवाल का, पहली बार आए हैं तो मजा आ रहा है हम लोगों को, साथ मेरे पार्टनर हैं। क्यों सर, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा है। इतनी शदीद गर्मी थी पिशावर में, हम पिशावर से आए हैं तो शदीद गर्मी थी, तो आप देखें आज बहुत मजे का व्यू है। अभी देखते हैं रोड हमें कहां तक लेके जाती है, अगर हम गलत ना आए हुए तो। अच्छा गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप गाड़ी पे आए तो फिर तो वेल एंड गुड है। तो गाइस, अगर आपके पास तो गाड़ी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बाइक है तो फिर बाइक की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, पार्ट्स उसके अंदर अच्छे होने चाहिए, तब आपका बाइक आएगा। क्योंकि उतराई आप देख सकते हैं, ये देखें कितनी जालिम किस्म की उतराई है, बहुत रोड की हालत अगर कहें तो नहीं, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या है। ये हमारे शेख साहब हैं क्योंकि मैंने बाइक को बंद किया हुआ है पेट्रोल की बचत करने के। नहीं, बाइक अगर आप यहाँ इस उतराई पे कहें कि न्यूट्रल करके आप लेके जाए पेट्रोल की बचत करें तो वो तो बड़ी रिस्की बात होती है, आपने कंट्रोल खुद रखना है यहाँ पे। तो ये देखें बिल्कुल अमेरिका और यूके वाले घर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है, लोगों ने की है, ये बहुत खूबसूरत इलाका है। बस ये पैसे की बात है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम दो जिस तरह दोस्त हैं हमारी तरह ही आप फिर गिर सकते हैं सही बात की है सर मैंने, बहुत अच्छी बात किया है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हर चीज बना सकते हैं। तो ये जी ताजवाल वाली साइड पे हम जा रहे हैं, देखते हैं, ये मेरा ख्याल है ये ताजवाल के अंदर ही जाते हैं, तो देखें यार सबसे मजे की बात यहाँ पे गर्मी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गर्मी नहीं है। देखिए ब्यूटी चेक करें, सुकून देखें नाजिम, यहाँ पर सुकून की सुकून वाली वैली है। जरूर आए, फैमिली के साथ आए यहाँ पर विजिट करें, और होटल्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इधर, बहुत बड़े बड़े होटल हैं। आप मॉल रोड को भूल जाएंगे, आपको पता है लोग आते हैं ज्यादातर मॉल रोड पे घूमते फिरते हैं, अब मॉल रोड पे इन्होंने वो चीज मतलब मरी, पुराने वाला मरी नहीं रहा। मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो ये जो मरी है ये पुराना मरी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन ये केपीके के अंदर आता है सारा, ये एरिया पंजाब में नहीं है, ये केपीके में कहलाता है, लेकिन इतना दूर नहीं है। क्यों सर, ये बात है ना, दूर तो नहीं है इतना, बस केपीके की दूर भी नहीं, और माशाल्लाह खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं ब्यूटी दिखाएंगे सामने, ब्यूटी दिखाएंगे वो सामने जो फोक। ये हमें एक भाई साहब मिल गए हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए आप, क्या लाइफ है इन इलाकों में, क्या ख्याल है आपका? बहुत अब आप ने यहाँ पे कुदरती कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है जी, ना एसी की जरूरत है, मेरा ख्याल पंखे की जरूरत भी नहीं है।
पंखे की भी जरूरत है। ये वैसे ही है जैसे एक जमाने में ना इतनी गर्मी में इतना प्यारा मौसम है, सर्दियों में बहुत अच्छा। सर्दियों में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पे शदीद बर्फबारी होती है और बहुत सर्दी होती है। तो अभी चलते हैं हम नीचे गांव में जा रहे हैं, आपको वो गांव दिखाएंगे। इसकी तारीफ सुनी अभी कुछ लोकल्स ने बताया कि बहुत बहुत खूबसूरत गांव है, आप नीचे जाएं। तो हमने कहा देख लेते हैं फिर। गैस हमारे यहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने हमसे चैलेंज लगाया था कि आप लोग बाइक पे कभी नहीं पहुँच सकते और हम लोग पहुँच गए। क्यों सर यही बात है? ऐसे हमारे जो शेख भाई हैं इनके बाइक पे दिलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बाइक की बड़ी हिम्मत है कि हमें ले आया है। बस देख रहे हैं आप लोग आपके सामने है सारा। ये जी रोड थोड़ी खराब शुरू हो गई, रोड थोड़ी खराब स्टार्ट हो गई है। ये भाई हमारे साथ जा रहे हैं जिनके जो हमें बताएंगे उस गाँव के बारे में। ऐसे आप कैसा फील करें जरा ये दिखाएं, फॉरेस्ट दिखाएं, आवाम को फॉरेस्ट दिखाएं, ये वाला दिखाएं जंगलात के जंगलात, इस तरह दरख्त दिखाएं शहरों में लगाएं ऐसे दरख्त ताकि शहर का मौसम चेंज हो। ठंडी की वजह से भी है इधर दरख्त बहुत ज्यादा है। ये दरख्तों का सारा कमाल है अफजल भाई, ये सब दरख्तों की वजह से है कि जो आप देख रहे हैं ना देखेंगे ब्यूटी या मौसम ठीक है, हाइट भी है लेकिन दरख्तों से बहुत फायदा पहुंचता है। और मैं यही कहूंगा कि इन जंगलात को जाया मत करें, पाकिस्तान को जंगलात।
आपको आज हमने गलियात के इलाके ताजवाल गांव की सैर करवाई है। हमें लाजमी फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा है। अब ये एक मुकामी भाई है हमारे पास ताजवाल के, इनसे कुछ इस गांव की अहम मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं अमर भाई? आप ठीक ठाक हैं? यार ये जो आपके गांव में हम आए हैं पहली बार आए हैं, ठीक है, तो हम मरी को भूल गए यहाँ पे जो मौसम है इतना फिट किस्म का, क्या इसकी कोई खास बातें बताएं हमारे देखने वालों को। बात है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे दूर दराज से लाहौर कराची से लोग आते हैं गर्मी में। अच्छा, ठीक है मेरे भाई, बाकी मौसम आप देख लें। बिल्कुल, मौसम तो बहुत जबरदस्त अच्छा है। बाकी यहाँ पे चश्मे वगैरह पानी के, वो भी जंगली जानवर भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, हर किस्म के आपको मिलेंगे, शेर सब है जंगल में, शेर सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म के घर बने हुए हैं लोगों के, जिस तरह इंग्लैंड और अमरीका में बने होते हैं, ये क्या सीन था? बड़े मजा आ गया स्टार्टिंग में। बहुत दूर दूर से लोग आके जगह ले रही है। अच्छा, हम यहाँ से उधर जा रहे हैं शहर की तरफ, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम ये जन्नत छोड़ के जन्नत में जा रहे हैं, वो जन्नत में से जन्नत। मैं यही बात करने लगा था कि इतना खूबसूरत आपका इलाका है, थोड़ा सा अगर आप आगे मतलब चले यहाँ से तो विजिट करवाए तो हमको दिखाएं। ये हमारे पीछे जो इलाका नजर आ रहा है, ये पहाड़ी, इसका क्या नाम है? ये सामने सब जो है पाटा वगैरह पमसेरी। अच्छा, ठीक है यार, नाम बड़े मुश्किल है इनके। यार यार ये बहुत मुश्किल नाम है क्योंकि ये पुराने लोगों के नाम जो रखे गए हमारे बुजुर्गों के। अच्छा अच्छा, टाइम के। तो ये एक और भाई आए हैं लेकिन ये मुझे मरी के नहीं लग रहे, इंस्टेंट भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? आप किधर से आए हैं? पेशावर से सुना आप भी आए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा ये इलाका? बहुत अच्छा, बहुत। पेशावर तो मैं कहता हूँ एक किस्म का कुएं में रहते हैं, कुएं में रह रहे हैं। सही बात, गर्मी वाले यहाँ पर मतलब मौसम पंखी की जरूरत भी नहीं लगी यार यहाँ पे, मैं कहता हूँ एसी लगे हर जगह पे। तो वल्डी भाई, इनको आपने घुमाया फिराया इलाका अपना? बहुत घुमाया जी, ये भाई ने बहुत घुमाया। देखें जंगल, क्या कहना चाहेंगे, वाम को आना चाहिए, वाम को आना चाहिए, बेताशा आना चाहिए। अमीर लोग आ सकते हैं, गरीब भी आ सकते हैं, हमने कौन से अमीर लोग हैं यार, आ सकते हैं ना, सब आ सकते हैं जी। ये अमर भाई हैं। अच्छा अमर भाई, लोगों के बारे में बताएं, हमारे लोग मरी के लोगों से बड़ा तंग आए हैं, बड़े जालिम हैं, मारते हैं, इनका क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं, आप भी आए, आप खुद बता सकें। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे जी आबासी नहीं रहते यहाँ पर, ठीक है, सरदारों का इलाका है। और अमर भाई ने बता दिया कोई बड़ा फर्क है, और अगर हमारे कबासी दोस्त वो भी ये वीडियो देखे तो माइंड नहीं कर रहा। कोई बासी नहीं है, सब सरदार हैं, ठीक है, ठीक हो गया। चलो जी, लाइक और कमेंट लाजमी करना। और बंटी भाई अपना, आमिर भाई आपको कुछ और देख जी जी, बंटी भाई आप बताएं ये सामने देख लें। आप अल्लाह का इतना शुक्र है कि सब्जा है बहुत प्यारा, ग्रीन ग्रीन सब देख लें, मौसम देख लें आप, ठीक है, गाँव के यहाँ आबो हवा बहुत प्यारी है। इस टाइम शहर के मौसम देख लें और यहाँ के देखें, इस टाइम शहर में 38 या 40 जा रहा होगा और यहाँ कितना होगा अभी आप देख लें, ठीक है। बाकी लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए हैं शादी पे। ये जी अमर भाई ने इस इलाके के बारे में आपको बताया, अभी हमें अंदर ना बिल्कुल गांव के अंदर खड़े हुए हम लोग, लेकिन इसके ऊपर होटल हैं, वो जो आपको साइड नजर आ रही है ना ऊपर, वहाँ बहुत बड़े बड़े होटल हैं, शंग्रीला होटल और इस तरह के बड़े बड़े। कौन कौन से? शंग्रीला, मागुल, डेजी कार, डेजी रोड बी सी साइड से। तो लाजमी आए जी, टूरिस्ट लोगों को हम कहते हैं। और ये जो रोड जा रही है, ठीक है, ये आगे कौन कनेक्ट हो रही है? ये आगे बोल जो यहाँ आगे जा रही है आपका बाग के साथ, ये आगे पिंडी वगैरह, ये सब मतलब ये रोड एबटाबाद निकल जाएगी यहाँ से, एबटाबाद निकल जाएगी। गाइस बहुत परफेक्ट रोड है, चेक करें। इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, न्यू आने वालों ने। ऐसी वीडियोज आपको इस ट्रेवल डायरीज के ऊपर मजीद मिलती जाएंगी।
मौसम है, मेरे पीछे आपको धुंध नजर आ रही होगी। मर्जी कुछ भी नहीं रखा, मर्जी में कुछ भी नहीं है। आप लोग मर्जी से थोड़ा आगे हैं, इंजॉय करें, फुल एंजॉयमेंट। वो देखें मेरे बैक पे होटल है, आवाजें आ रही होंगी हंसने की, लोग इंजॉय कर रहे हैं, सुकून, इतना सुकून है कि सोच है आपकी, इंतहा का सुकून है। फोग पीछे जंगल, चेक करें बिल्डिंग, फैंसी किस्म की बिल्डिंग है। तो जनाब ये वो गांव है जहाँ पे हम लोग आए हैं, गलियात का आप ब्यूटी देखें, कितना खूबसूरत गांव है ये। यहाँ पर चश्मे भी हैं और बहुत प्यारा व्यू है।